हेलो एंड वेलकम टू डायनामिक स्टडी टुडे आई विल डिस्कस अबाउट यूजीसी नेट पेपर टू पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नर भारत में राज्यपाल जो है उस पद का क्या पावर है क्या क्षमता है वो क्या क्या पावर उनके पास है वो कैसे अप्लाई करते हैं इसके बारे में आज का वीडियो है मैंने पहले गवर्नर के बेसिक्स पार्ट्स के बारे में एक वीडियो बनाया है उसे देखकर आप ये नेक्स्ट वीडियो देखिएगा ये हमारे नेट के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आदर्श एग्जाम जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे यूपीएससी या कोई आदर्श एग्जाम में भी ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बी वगैरह में सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं okay. गवर्नर एंड पॉजिसलेटिवशियल पावर सो एक गवर्नर एक राज्यपाल के पास क्या क्या क्षमता रहती है एक्सिक्यूटिव इंप्लीमेंट करना लेजि मतलब आइन बनाना फिनेंशियल उसके पास फाइनेंशियल पावर भी है जुडिशियल मतलब विचार संक्रांत ये सारे पावर्स है मोर और लेस एनलॉजिस To the President of India. उनके पावर के साथ हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो राष्ट्रपति के पद है भारत में उसको थोड़ा तुलना कर सकते हैं हाउ एवर ही है डिप्लोमेटिक मिलिटरी और इमरजेंसी पावर्स लाइक द प्रेसिडेंट लेकिन प्रेसिडेंट के पास कुछ अलग ही पावर्स है जैसे कि डिप्लोमेटिक वो कूटनैतिक जो संपर्क है दूसरे राष्ट्र के साथ या लेना या इमरजेंसी पावर जो एक प्रेसिडेंट को बहुत पावरफुल बनाता है सो so ये सारे प्रेसिडेंट पावर्स प्रेसिडेंट के पास है जो कि गवर्नर के पास नहीं है द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ गवर्नर कैन बी स्टडीड अंडर फॉलोइंग हेड्स ये जो पावर्स है ये जो क्षमता है ये जो फंक्शन है ये जो काम है गवर्नर के इसको हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया मेन पार्ट्स में सो so गवर्नर के पास नॉर्मली ये सारे पावर होते हैं जो राष्ट्रपति के पास होते हैं लेकिन कुछ ऐसे पावर्स है जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है जैसे कि डिप्लोमेटिक मिलिट्री और इमरजेंसी पावर अब देखते हैं गवर्नर के पावर को ओके फर्स्ट है एग्जीक्यूटिव मतलब उसे एग्जीक्यूट करना कोई लॉ या कोई रेगुलेशन बनाया गया है उसे इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करना नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव मतलब आईन बनाना फिनेंशियल मतलब फिनेंशियली मतलब फिनेंशियली कोई बिल पास हो रहा है उसे इम्प्लीमेंट फिनेंस प्रोवाइड करना कहाँ से फिनेंस होगा किस काम में जाएगा ये सारे चीज देखना और जुडिशियल विचार व्यवस्था में लोगों को नियुक्त करना इसके बारे में मैं डिटेल आगे बताऊंगी सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट है एग्जीक्यूटिव मैंने जो कहा जिसे इम्प्लीमेंट करना ओके द एग्जीक्यूटिव पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नर आर जो एग्जीक्यूटिव पावर है फंक्शंस है वो गवर्नर के पास क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं फर्स्ट All executive actions of the government of a state are formally taken in his name. जो भी एक राज्य में प्रशासनिक डिसीजंस या कोई एक्शंस लिए जाते हैं वो सब किसके नाम पे होता है सब कुछ होता है गवर्नर के नाम से मतलब जो भी काम हो रहा है घर के प्रधान के नाम से जैसे हम कोई भी काम करते इस घर से हुआ है सो so वैसे ही हम कर, कहते हैं कि राज्यपाल के नाम से सारे काम होते हैं फॉर्मली नॉट इनफॉर्मली नेक्स्ट ही कैन मेक रूल स्पेसिफिकली स्पेसिफाइंग द मैनर इन which द orders एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन his नेम शैल बी ऑथेंटिकेटेड ही कैन मेक यूज रूल सो वो रूल्स बना सकते हैं स्पेसिफिकली कौन से क्षेत्र में इन मैनर इन विच ऑर्डर जहां पर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट ओके मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन नेम सब कुछ उनके नाम पे होगा मतलब वो रूल्स बना सकते हैं कुछ मैटर्स पर ऑर्डर दे सकते हैं इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे रूल्स रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट कर ओके नेक्स्ट ही कैन मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजेक्शन Of the business of his state government, and for the allocation among the ministers of the said business, he can make rules for rules bana okay for more convenient transaction. ही कैन मेक रूल वो रूल्स बना, बना सकते हैं रेगुलेशन बना सकते हैं कॉन्वीनियंट ट्रांजेक्शन के लिए बिजनेस जो काम है उसे स्मूथली uh, करवाने के लिए उसको उसमें कोई बाधा ना आए तो so, इस चीज के लिए वो रूल्स बना सकते हैं एक राज्य के लिए एंड फॉर द एलोकेशन एमोंग द मिनिस्टर्स एंड सेट बिजनेस मिनिस्टर्स के काम को और आसान करने देते हैं कि ऐसे ऐसे आप काम कीजिए ओके नेक्स्ट ही अपॉइंट द चीफ मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स सो जो मिनिस्टर्सिंग सेरेमनी होता है जो शपथ बाग के पार्ट होता है वो सब करवाते कौन है मुख्यमंत्री को और आदर्श मिनिस्टर्स को राज्यपाल दे ऑल्सो होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग हिज प्लेजर बताया जाता है कि राज्यपाल के प्लेजर के ऊपर निर्भर है इन लोगों का पथ दे शुड बी अ ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर इन स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा अपॉइंटेड बाय हिम कुछ स्पेशल केसेस में कुछ राज्य में जैसे कि छत्तीसगढ़ झारखंड मध्य प्रदेश और उड़ीसा जैसे एरियाज में वहां पर ट्राइबल बहुत ज्यादा है आदिवासी लोग ज्यादा है इसलिए वहां पर एक ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री ट्राइबल लोगों के वेलफेयर के लिए हित के लिए एक मंत्री को वो नियुक्त करते है.

प्लेजर ऑफ द गवर्नर गवर्नर के मत के ऊपर गवर्नर के इच्छा के अनुसार ये सब होता है सो so, मैंने एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बता दिया अब मैं आती हूँ सॉरी एग्जीक्यूटिव में और है सो नेक्स्ट सिक्स देखते हैं ही अपॉइंट द सेट स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड डिटरमाइंस हिज कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टेन्योर ऑफ द ऑफिस मैंने पहले ही कहा था कि एक सेंट्रल में एक है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और उसके नीचे है राज्य में स्टेट इलेक्शन जो पंचायत या म्यूनिसपालिटी के वोट को कंडक्ट करवाती है सो so, उसके जो स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर जो ऑफिसर्स है जैसे कि स्टेट इलेक्शन कमिश्नर और अदर सो उनको अपॉइंट करवाना और उनका कितने दिन के लिए कितने साल के लिए वो पद में रहेंगे वो सब डिसाइड करते हैं राज्यपद हाउ एवर द स्टेट इलेक्शन कमीशन कैन बी रिमूव ओनली इन लाइक ए मैनर ऑन द ग्राउंड ऑफ द जज ऑफ द हाईकोर्ट लेकिन उनको उसके पद से हटाया जा सकता है लाइक like जैसे हाई कोर्ट के जज को हम हटा अपने पद से कर सकते सकते हैं हैं या रिमूव कर सकते हैं सकते, कर सकते, वैसे ही प्रोसीड्योर से फॉलो कर नेक्स्ट ही अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन है वो उनको अपॉइंट कर सकते हैं However, they can be removed only by the president, not by a governor. So, ये point six, seven and eight है very important क्योंकि यहाँ पर state election commission, public state public service commission के chairman को वो नियुक्त ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन उन्हें वो पद से remove नहीं कर सकते। उनको remove सिर्फ कर सकते हैं कौन president? Next ही कैन सी एनी इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एफेयर ऑफ द स्टेट एंड प्रोपोजल फॉर लेजिस्लेशन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर वो चीफ मिनिस्टर के पास पूछ सकते हैं कि क्या आप क्या क्या डिस एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रशासनिक विभाग रिलेटेड कोई भी अफेयर्स के लिए वो अपने इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है इसके बारे में इंफॉर्मेशन आज कर सकते हैं ओके सो सिक्स सेवेंथ एंड एट सिक्स में क्या हो रहा है वो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त जरूर कर सकते हैं लेकिन पिच नहीं कर सकते उन्हें रिमूव नहीं कर सकते

कोई भी कंसिडरेशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो डिसीजन लिया है किसी भी विषय में मिनिस्टर्स के द्वारा उसके बारे में क्यों लिया गया है ये इसके सब उसको बताना होगा राज्यपाल को क्यों डिसीजन लिया गया ही कैन रिक्वायर द चीफ मिनिस्टर वो चीफ मिनिस्टर को रिक्वायर कर सकते हैं टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन सबमिट करना होगा उनको कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटेड एनी मैटर एनी कोई डिसीजन लिया गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटेड उनको बताना होगा नेक्स्ट ही कैन रिकमेंडेड द इम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन स्टेट टू द प्रेसिडेंट वो एक राज्य में शासन व्यवस्था ठीक ना हो ऐसा बताकर वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी स्टेट में जारी कर सकते हैं इसके लिए recommendation कर सकते हैं पर प्रेसिडेंट के पास ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पीरियडेंट रूल इन अ स्टेट जब तक प्रेसिडेंट रूल रहेगा उस राज्य में द गवर्नर एंजॉय एग्जीक्यूटिव पावर एज एन एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट वो प्रेसिडेंट के एजेंट है मैंने पहले ही कहा था so, सो प्रेसिडेंट के एजेंट के तौर पर वो टोटल पावर एग्जीक्यूटिव पावर वो उनके पास रहेगा तो so, वो रिकमेंड कर सकते कि राज्य में शासन व्यवस्था ठीक नहीं है आप एक हस्तक्षेप कीजिए और उस वक्त प्रेसिडेंट को लगा कि वहां पर इमरजेंसी करना कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी लगाना जरूरी जरूरत है तो वो लगा सकते और उस वक्त गवर्नर के पास एग्जीक्यूटिव पावर एक्सटेंसिवली रहेंगे बहुत ज्यादा पावर रहेंगे जितने भी state universities हो हमारे राज, उस राज्य में वहां के वो रहेंगे, वाइस चांसलर्स ऑफ यूनिवर्सिटीज इन द स्टेट और स्टेट में जितने भी वाइस चांसलर्स होंगे वीसीज रहेंगे यूनिवर्सिटी के उनको भी अपॉइंट करेंगे कौन राज्यपाल नेक्स्ट नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव आयन शंक्रांत क्या-क्या पावर उनके पास है फर्स्ट देखते हैं सो गवर्नर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटचर जो राज्य আইন सभा है उसके एक महत्वपूर्ण भाग में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में है गवर्नर ओके इन दैट कैपेसिटी ही हैज द फॉलोइंग लेजिस्लेटिव पावर एंड फंक्शन इस हिसाब से उनके पास बहुत सारे आयन शंक्रांत पावर और काम भी उनके पास है फर्स्ट

अरेंज करना वहां को एड्रेस करना बुलाना सबको ये हर पांच साल बाद जब वोट होता है जब कोई नए मुख्यमंत्री नियुक्त होते हैं पुराने मुख्यमंत्री नए रूप से आ, मतलब नियुक्त होते हैं तब उनको एक नए जो फर्स्ट सेशन होता है वहां पर उनको कमेंट्स करना होता है वहां पर सबको बुलाना होता है और सबको अरेंज करना होता है और हर साल जब नए सेशन शुरू होते हैं तब भी उनको क्या करना होता है वहां पर जो एड्रेस uh, करना होता है स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स को ओके नेक्स्ट ही कैन सेंड मैसेजेस टू द हाउस और हाउसेस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर स्टेट लेजिस्लेटर एक में राज्यपाल हो सकते हैं दो तीन राज्य में भी हो सकते हैं तो वहां पर वो मैसेज भेज सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू अ बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेचर और अदरवाइज कोई भी बिल रेजिस्लेटर विधानसभा में बहुत सालों से अटका पड़ा हुआ है सो इस रिलेटेड वो मैसेज भेज सकते हैं कि आप बिल क्यों पेंडिंग है कब पास होगा ये सब रिलेटेड क्स्ट ही कैन अपॉइंट एनी में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू प्रिसाइड ओवर इट्स प्रोसीडिंग वेन द ऑफिस ऑफ बोल द स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर कॉल बैक इन जब राज्य विधानसभा में स्पीकर का पद और डेप्यूटी स्पीकर का पद खाली हो जाएगा ओके तब वो क्या कर सकते हैं स्टेट लेजि राज्य विधानसभा में किसी को प्रिसाइड करने के लिए किसी को चलाने के लिए एक मेंबर को अपॉइंट कर सकते हैं जब स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का पद खाली हो जाएगा तब एक व्यक्ति को वो अपॉइंट कर सकते हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव के काम को देखेगा स्पीकर के तौर पर कुछ टाइम के लिए similarly he can appoint any member of of the 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 state legislature council to preside over his proceedings when the office of both the chairman and deputy chairman fall vacant अब चेयरमैन काउंसिल विधान परिषद जिन 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 में है उन राज्य में अगर चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का पद जो है वो खाली हो जाएगा तब भी वो किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकते हैं राज्य विधान परिषद को चलाने के लिए okay? ये थे लेजिस्लेटिव powers आगे देखते हैं आगे और है जैसे कि ही नॉमिनेट्स वन सिक्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स फ्रॉम एमोंग वर्सन है प्रैक्टिस एक्सपीरियंस इन लिटरेचर साइंस आर्ट कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड सोशल सर्विस टोटल सीट के स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद के नहीं विधान आ, विधान परिषद के सॉरीबर्स uh, uh, so, so, मेंबर को वो नॉमिनेट कर सकते हैं मनोनीत कर सकते हैं जिनको लिटरेचर साइंस आर्ट या कोऑपरेटिव मूवमेंट या सोशल सर्विस जैसे रिलेटेड फील्ड में वो नाम है उनका बहुत फेमस है इन सारे लोगों को वहां पर नॉमिनेट कर सकते हैं मनोनीत कर सकते हैं नेक्स्ट ही कैन नॉमिनेट वन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है विधानसभा है वहां पर एंग्लो-इंडियन कम्युनिटी को वो नॉमिनेट कर सकते हैं वहां पर एक व्यक्ति को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करता है ऐसे व्यक्ति को नॉमिनेट करवाते डिसाइड ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिसक्फिकेशन ऑफ में स्टेट लेजिस्टर इन कंसल्टेशन विदेशन कमीशन किसी व्यक्ति को जो मंत्री है या विधानसभा या विधान परिषद के मेंबर है उनको अगर डिस्कालीफाई करना होगा उनको अपने पद से हटाना होगा तो कंसल्टेशन करेंगे इलेक्शन कमीशन के साथ इलेक्शन कमीशन के कंसल्टेशन के कंसल्टेशन uh, करके उस व्यक्ति को वो डिस्कालीफाई कर सकते हैं ओके नेक्स्ट when अ बिल इज सेंड टू द गवर्नर आफ्टर इट इज पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर ही कैन जब राज्य विधानसभा में कोई बिल पास हो जाएगा और उसके बाद उस बिल को राज्य गवर्नर के पास भेजा जाएगा वो क्या क्या कर सकते हैं फर्स्ट ही गिव इज एसेंट टू द बिल वो उस बिल में साइन करके सम्मति दे सकते हैं सेकेंड विद होल्ड इज एसेंट टू द बिल वो उसमें साइन नहीं करेंगे बोलेंगे नहीं साइन करूंगा नेक्स्ट रिटर्न द बिल वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं इफ इट इज नॉट अ मनी बिल अगर वो मनी बिल नहीं हुआ तो तब भी वो उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं मतलब फिर से विधानसभा में भेज सकते हैं

उन्होंने इस बिल को में कर सकते हैं उसे चेंज कर सकते हैं उसको संशोधन कर सकते हैं और उसे भी संशोधन ना करके भी फिर से अगर वो पास करवा दे तो उसके बाद अगर गवर्नर के पास वो भेजे तो ऑफिसली गवर्नर को उस बिल में उस आ, बिल में साइन करना ही होगा उनके पास इसके अलावा कोई पावर नहीं है नेक्स्ट देखते हैं और क्या कर सकते हैं वो बिल को लेकर रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट उनको लगा कि ये बिल मेरे हाथ से बाहर है तो वो रिजर्व करके संरक्षण करके रख सकते हैं प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए इन वन केस सच रिजर्वेशन इज ऑब्लिगेटरी कुछ केसेस में ये रिजर्वेशन बाध्यता मूलक है दैट इज वेर द बिल इज पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंडेंजर्स द पोजिशन ऑफ द स्टेट हाईकोर्ट ओके okay? सो so, जब वो स्टेट लेजिस्लेचर जर मतलब डेंजर इंडेंजर कर रहा है हाई कोर्ट का पोजीशन को लेकर इन एडिशन गवर्नर कैन आल्सो रिजर्व द बिल इफ इट इज द फॉलोइंग नेचर कौन से कौन से क्षेत्र में वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए एक तो मैंने कहा हाई कोर्ट के जो पोजीशन को लेकर अगर कोई इंडेंजर हुआ कोई प्रॉब्लम हुआ तो ऐसे वाले क्षेत्र में वो प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं और किस किस में फर्स्ट है अल्ट्रा दैट इज अगेंस्ट द द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ऐसा कोई बिल पास हुआ है तो नेक्स्ट द अपोजिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे जो निर्देश मूलक नीतिज हैं उनके अगेंस्ट हुआ तो नेक्स्ट अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री देश के लोगों के हित के विपरीत हुआ तो ऑफ ग्रेव नेशनल इंपोर्टेंस नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट देश की शर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो तो रखना पड़ेगा डीलिंग विद कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन जो कंपल्सरी एक्विजिशन प्रॉपर्टी के लिए अगर कोई विषय हो तो इन सारे क्षेत्रों में रिजर्व करके रख सकते हैं राज्यपाल उस बिल को प्रेसिडेंट को दिखाने के लिए नेक्स्ट

जो ऑर्डिनेंस राज्यपाल ने बुलाया इसको सिक्स वीक्स के अंदर अंदर छह हफ्ते के अंदर अंदर स्टेट लेजिस्टर लेजिस्लेचर में इसे अप्रूव होना है नेक्स्ट ही कैन ऑल्सो विदड्रॉल ऑर्डिनेंस एनी स्टेट लेजिस्लेचर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर सो कभी भी वो ऑर्डिनेस बुलाटिव जो सेशन बंद भी कर सकते स्टेट फाइनेंसर एंड ऑडिटर जनरल रिलेटिंग टू द अकाउंट ऑफ द स्टेट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर सो वो रिपोर्ट मांग सकते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन को लेकर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को लेकर इन सारे क्षेत्रों में वो क्या कर सकते हैं रिपोर्ट मांग सकते हैं इन आ, लोगों से यहाँ स्टेट विधान स्टेट असेंबली असेंब्लीजिस्लेटिव असेंबली से उसके बाद आते हैं फिनेंशियल पावर्स फिनेंशियल क्या क्या पावर्स है ओके फर्स्ट है ही सीज द एनुअल फिनेंशियल स्टेटमेंट स्टेट बजट इज लेड बिफोर द स्टेट लेजिस्लेटिवेज लेजिस्लेटिव मतलब विधानसभा में पास करवाने से पहले ही वो एनुअल फिनेंशियल जो स्टेटमेंट है उसे वो देख सकते हैं बुला सकते हैं कि क्या बजट बनाया है देखने के लिए डेशन मनी बिल को वो इंट्रोड्यूस करते हैं राज्य विधानसभा में विदाउट हिज रिकॉमेंडेशन कोई भी मनी बिल राज्य विधानसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है थर्ड नंबर है नो no डिमेंट थर्ड पॉइंट है नो डिमांड फॉर अ कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिस्स रिकमेंडेशन किसी भी क्षेत्र में अगर ग्रांड प्रोवाइड करना होगा तो ये ग्रांड को जो uh, है उसे राज्यपाल के डिमांड के बिना कोई भी ग्रांट उसके रिकमेंडेशन uh, के बिना नहीं किया जा सकता है फोर्थ पॉइंट है ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ द स्टेट टू मीट एनी एक्सपेंडिचर अगर कोई नया प्रॉब्लम उद्भव हुआ है कॉन्टीजेंसी फंड को लेकर स्टेट में तो वो क्या कर सकते हैं एडवांस में कह सकते हैं कि कोई भी एक नया प्रॉब्लम आया है सो उसके लिए वो फंड प्रोवाइड कर सकते हैं मतलब वहां से जो कॉन्टीजेंसी फंड है वहां से बता सकते हैं कि इतना मनी प्रोवाइड करना चाहिए नेक्स्ट ही कॉन्स्टिट्यूट कमीशन आफ्टर एवरी फाइव इन टू रिव्यू द फिनेंशियल पोजिशन ऑफ द पंचायत एंड म्यूनिस्पैलिटी सो फिनेस कमीशन में ही एक फिनेंशियल कमीशन बना सकता है हर पांच साल बाद बाद रिव्यू करने के लिए किस विषय में कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के पास फिनेंशियल पोजिशन कैसा है उनके पास पावर कितना है इन सारे विषय में वो रिव्यू कर सकते हैं नेक्स्ट जुडिशियल पावर्स जुडिशियल पावर्स क्या क्या है गवर्नर के पास फर्स्ट है ही कैन ग्रांट फार्डन रिप्राइव रेस्पाइट एंड रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और सस्पेंड रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन ऑफ़ एनी ऑफ़ेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंस वो उनके पास राज्यपाल के पास जो ग्रैंड पार्डन वाला पावर है उनके पास है वो रिप्राइव कर सकते हैं कर सकते हैं रिमिशन वो हटा सकते हैं पनिशमेंट को जो व्यक्ति को पनिशमेंट मिला है उस, उसको सस्पेंड कर सकते हैं रोक सकते हैं उनको बंद कर सकते हैं उसको जो मृत्युदंड था उसे भी रोक सकते हैं जितना दूर तक वो पावर एग्जीक्यूटिव के पास है स्टेट के Okay? So, क्स्ट ही कर सकते हैं जब वो हाईकोर्ट के जज को अपॉइंट करेंगे तब वो क्या करेंगे हाईकोर्ट के जज के साथ वो कंसल्ट uh, करेंगे नेक्स्ट ही मेक अपॉइंट अपॉइंटमेंट वो अपॉइंटमेंट करेंगे positions and promoting of the district judges in consultation with the high court jab high court ke uh, ek ra, ek jela mein jab judge ko niyukt kiya jayega appoint kiya jayega tab unke po, pro, positions ko promote karenge उनको consultation करेंगे किसके साथ high court के judge के साथ वो परामर्श कर district judges को appoint करेंगे next he also appoints person to the the judicial 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 service of the states. Judicial service service of conduct appoint district district judges. judge राज्य के लिए देखभाल के लिए appoint कर सकते हैं इन कंसल्टेशन विदेट हाईकोर्ट इसके लिए उनको किसके साथ परामर्श करना होगा स्टेट हाईकोर्ट के साथ एंड द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके साथ उनको कंसल्टेशन करके एक व्यक्ति को नियुक्त करना होगा जो जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट को देखेंगे सो दैट्स द होल लेक्चर ऑन गवर्नर और गवर्नर के पावर के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई होप यू अंडरस्टैंड सो थैंक यू कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग